भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे साथ बोला करो, जोश आएगा थोड़ा लाइफ में, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होगी दिलों में, देश के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है मेरे बच्चों, इंडिया की टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना है मेरे बच्चों, और वो मैथ्स पढ़ के ही संभव होगा। बिना मैथ्स अच्छी हुए आज तक कोई कुछ कर नहीं पाया। साइंटिस्ट भी अच्छा तभी बनता है जब गणित मैथमेटिक्स अच्छी होती है, पर हमारे पूर्वजों की मैथ्स बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, विश्व में सबसे अच्छी थी। बीच में हम डामाडोल हो गए कुछ, अब फिर से आगे बढ़ना है, गणित को अच्छा करना है। देखो ध्यान दो, अब थोड़ा सा हम ट्रायंगल के एरिया के बारे में सीखें, एरिया और ट्रायंगल कैसे कैसे कहाँ कहाँ निकालते हैं। देखो समझो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो क्या होता है, एरिया और ट्रायंगल का सबसे बेसिक फार्मूला जो होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। मान लीजिए अपने पास कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और हमें इसका एरिया चाहिए, तो एरिया हो जाता है क्या बोलो, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, जैसे कि मान लो हाइट का मतलब किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर। जैसे कि मान लो अगर मैं बीसी को बेस मानूंगा हम, तो हाइट ये हो जाएगा यहां से इस पर परपेंडिकुलर, मान लो ये ए एम है। तो अगर मान लो मैंने बेस मान लिया बीसी को, तो हाइट हो जाएगा क्या बोलो, ए एम, ये ए एम हाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं बेस सी ए को मान लूं, तो यहां से परपेंडिकुलर इस पर जाएगा ये ऐसे, मान लो ये एन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ बेस, बेस क्या है बोलो सी ए, और इनटू हाइट, हाइट क्या हो गया बी एन। तो किसी भी साइड को बेस मान सकते हैं। अच्छा, इसको बेस मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर जो है ये हाइट हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा अब देखो, मैंने बताया था कि मान लो अगर मैं ट्रायंगल कुछ ऐसा ले लूं, ये देखो मान लो ये मैंने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ले लिया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, कि अगर मान लो मैं इसको बेस लेता हूं, तो अब परपेंडिकुलर कहीं यहां नहीं आएगा, परपेंडिकुलर देखो कहीं बाहर जा करके गिरेगा। अब देखो ये इस साइड के बाहर चला गया परपेंडिकुलर, तो अगर हमें इसका एरिया चाहिए तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, और बेस क्या है बोलो बीसी, और हाइट क्या हो गया बोलो ए एम, हाइट हो गया है ए एम, ए एम मतलब इस बेस पर परपेंडिकुलर। तो मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर जो है वो बाहर निकल जाता है। तो मैंने बताया था पहले भी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर ये ट्रायंगल के बाहर चले जाते हैं, उसकी मैंने रीजन भी बताया था, उसकी मैंने वजह ही बताई थी आपको, देखिए वीडियो में। ठीक है, अच्छा अब देखो कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल। अब देखो राइट एंगल में क्या बनता है, राइट एंगल में देखो कुछ ऐसा बन जाता है, मान लो ये अपना 90 है, तो वहां पर ये बेस और परपेंडिकुलर, मतलब ये अपना बेस हो गया और ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां पर जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला सबके लिए है, कोई भी ट्रायंगल, दुनिया कैसा भी ट्रायंगल हो सब में लगेगा। जैसे इक्विलेटरल में आपने पढ़ा होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, वो फार्मूला भी यहीं से निकल के आता है, इसी से ही वो फार्मूला निकल के आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला। ठीक है, तो ये मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का पहला तरीका, जितने भी तरीके संभव होंगे वो सब मैं आपको एक साथ बता दूंगा, क्योंकि ये बातें कहीं ना कहीं जरूर काम आती हैं हमारे। इसको नोट करो जल्दी से नोट करो इसको फटाफट, मैं आगे बातें बताता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, नभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया
सियाराम जय जय राम। देखो बच्चों ध्यान दो, मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रायंगल है एबीसी, मैंने बताया था ए के अपोजिट साइड होती है स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड होती है स्मॉल बी, और सी के अपोजिट साइड क्या होती है बोलो स्मॉल सी। अगर हम एरिया निकालें तो एरिया का देखो एक फार्मूला ये भी होता है, वन बाई टू बी सी साइन ए, मतलब एक साइड बी एक साइड सी, बीच का एंगल ए तो उसका साइन हाफ बी सी साइन ए, या यही ऐसे होगा हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी, या यही ऐसे होगा हाफ ए सी साइन बी, हाफ ए सी साइन बी। तो इस फार्मूलों से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकाल सकते हैं, है ना, याद रखना। देखो जैसे दो साइड लेनी है उनके बीच का एंगल लेना है, दो साइड लेनी है बीच का एंगल लेना है, दो साइड लेनी है बीच का एंगल लेना है, तो इनसे भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपने पढ़ा ही है, आप जानते ही हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का फार्मूला। S क्या होता है बेटा, S होता है a प्लस बी प्लस सी बाई टू, और इसको हम लोग कहते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है, क्या कहते हैं बोलो, सेमी पेरीमीटर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ये फार्मूला जिसमें हमें साइड और एंगल मालूम होते हैं, ठीक है। तो इसको ये फटाफट बच्चों नोट कर लो, जल्दी से नोट करना है बेटा हर चीज, ये नहीं आता है तो छोड़ देना, फिर तो कुछ समझ में आना बंद हो जाएगा। मेरी बात मानो, अगर मेरे प्यारे बच्चे हो तो मेरी बात मानो, नोट करते रहो हमेशा, तभी तो भारत देश का विकास करोगे, ऐसे करोगे। चलो आगे बढ़ो, लिखो जल्दी से। एक राधा एक मीरा दोनों ने कृष्ण को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श। अब देखो अगला, अगर हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो, जैसे कि मान लो ये x1 y1, ये है x2 y2 और ये क्या है बोलो x3 y3। अगर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो एरिया कैसे निकालेंगे। देखो अब यहां पर एक बार ध्यान दो कि ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, है ना। मैं कैसे चल रहा हूं बोलो, मैं चल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ऐसा चले तो अच्छा है, नहीं तो फिर एरिया नेगेटिव आ जाता है। खैर उसमें मॉड लगा देते हैं, बताते हैं। देखो जैसे इस ट्रायंगल का एरिया हमको चाहिए, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम है, दो क्या है मेथड है, x1 y1 लिखो, x2 y2 ऐसे लिखो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से x1 y1 ऐसे लिखो, ठीक है। देखो इससे क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो जो हमारा एरिया होगा वो होगा 1/2 मॉड ऑफ, मॉड लगा दिया। मॉड क्यों लगाया, कि जिससे अगर कोई इनको क्लॉकवाइज ले जाए तो आंसर नेगेटिव ना आए पॉजिटिव आए। मॉड लगाने से हमेशा वैल्यू प्लस आती है, ठीक है। मॉड का खेल आपने पढ़ा ही है फंक्शन में सारा, नहीं पढ़ा तो फंक्शन की प्लेलिस्ट पूरी है, 11 क्लास का फंक्शन है, वहां से जाके फंक्शन को पढ़ो, क्योंकि फंक्शन तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन से पहले आपको फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या होगा, x1 by 2
x1y2 माइनस x2y1 ऐसे हुआ, फिर प्लस क्या हुआ x2y3 माइनस y2x3 और फिर देखो प्लस x3y1 माइनस y3x1 x3y1 माइनस y3x1 और ऐसे करके मॉड को बंद कर देंगे। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का तरीका है, ऐसे करके इसको हम निकाल सकते हैं। अब देखो यही फार्मूला हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 बाहर, देखो x1 कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से x1 कॉमन आ गया, तो क्या आ गया बोलो y2 माइनस y3। अब देखो इन दोनों में x2 कॉमन आ गया, तो x2 कॉमन आ गया तो क्या हो गया बोलो y3 माइनस y1। फिर देखो दोनों में x3 कॉमन आ गया तो क्या आ गया बोलो y1 माइनस y2। ऐसे देखो ये ऑर्डर में चल रहा है, ऑर्डर मतलब देखो जैसे x1 के बाद आया x2 और x2 के बाद आया x3, देखो y2 है, ऐसे होता है ना, ये y1 y2 y3, y1 के बाद y2, y2 के बाद y3, y3 के बाद फिर y1, एक साइकिल में, तो y2 के बाद y3, y3 के बाद y1, यहाँ देखो y3 के बाद y1 और y1 के बाद y2। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है अगर हमें वर्टिसेस मालूम है। देखो ध्यान दो, ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया है ये मेथड किसी भी पॉलीगन में लग जाता, मतलब अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल होता तो वहां पर भी हम इस मेथड को लगा सकते थे। ये प्रोसेस जो मैंने सिखाई, ये प्रोसेस क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, जो भी जितने भी गन होते हैं ना सारी बंदूकों में ये लग जाता है, गन का मतलब बंदूकें। अरे भाई ठीक है, लिखो जल्दी से, देखो बताता हूं मैं आपको। तो ये अपना फार्मूला आ गया तब जब हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए जाए, जैसे कि मान लो अगर यही मैं क्वाड्रिलेटरल कर दूं तो क्या होगा, देखो क्वाड्रिलेटरल में चार कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, एक और बढ़ा लें, देखो यहाँ पर x4y4 कर लें, यहां पर मान लो x4y4 कर दें फॉर एग्जांपल, ठीक है ऐसे। तो देखो ये अपना क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD। अब अगर इसका एरिया निकालना होता तो देखो सेम मेथड से, है ना, सेम मेथड से क्या करना है, तो थोड़ा सा यहां पर बदलना है, इसको बदलेंगे और देखो सेम मेथड से इसका एरिया अपना मिल जाएगा। तो कैसे 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 कैसे, ऐसे देखो x1y1 लिखा, थोड़ा दूर लिखें, x2y2 लिखा, x3y3 लिखा, x4y4 लिखा और फिर से x1y1 लिखा, है ना, पहले चारों को लिखा फिर x1y1 रिपीट कर दिया। ऐसे ही पेंटागन में भी कर सकते हैं, हेक्सागन में भी कर सकते हैं, जैसे पेंटागन में पांचों को लिखेंगे फिर लास्ट पहला वाला रिपीट कर देंगे। अब देखो क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो क्या हुआ बोलो एरिया, है ना, एरिया क्या हुआ बोलो 1/2 मॉड ऑफ x1y2 माइनस y1x2 फिर प्लस x2y3 माइनस y2x3 फिर प्लस x3y4 माइनस y3x4 और फिर प्लस x4y1 माइनस y4x1 और ये ऐसे। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो सभी के एरिया हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं। ये जो प्रोसेस आपने सीखा ना ये याद रखिए और ध्यान रखना, अच्छा होगा आप उनको एंटी क्लॉकवाइज में लें। देखो अगर तुम क्लॉकवाइज में ले लोगे तो ये जो वैल्यू है ना अंदर आ रही है ये निगेटिव हो जाएगी और इसीलिए मॉड लगा दिया कि अगर ये निगेटिव हुई तो उसे बना देंगे पॉजिटिव, है ना। मॉड का यही फायदा होता है कि अगर अंदर आने वाली वैल्यू निगेटिव हो जाए तो मॉडलस उसे पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो निगेटिव होता नहीं है,
लिखो जल्दी, लिखो इसको फटाफट, लिखो, नोट करो जल्दी से। फिर देखो, अभी मैं उस बात को थोड़ा चर्चा नहीं कर रहा हूं, एक मेथड आगे चल के आप और पढ़ेंगे 12th क्लास में, डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालना यूजिंग डिटरमिनेंट। कुछ नहीं होता, ये जो एक्सप्रेशन आपने अंदर लिखा है ना, ये बस इसी को चेंज थोड़ा कर देते हैं, इसी को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। अब डिटरमिनेंट तुमने पढ़ा नहीं है अभी, इसलिए मैं ज़्यादा उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, खामखा में कन्फ्यूजिया जाओगे, अपने कान को फ्यूज कर लोगे, है ना, कन्फ्यूजिया ना, इसलिए मैं उसको ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, बल्कि वो और मेथड मुश्किल हो जाता है। डिटरमिनेंट का मेथड जो है ना, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का यूज़ नहीं होता, मतलब उससे कभी आप एरिया ट्रायंगल निकालते नहीं है, वो और मुश्किल मेथड हो जाता है। वो तो 12th के सवाल जब स्पेशली पूछा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट मेथड से निकालो, तो थोड़ा यूज़फुल रहता है। यूज़फुल क्या मतलब, मजबूरी में निकालना पड़ता है वहाँ पर फिर, क्योंकि नंबर काट देगा बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वहीं बस उसका एप्लीकेशन है, बाकी इसका कोई एप्लीकेशन ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अच्छा नोट करो इसको। फिर एक देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का मेथड होता है अपने वेक्टर की हेल्प से। वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, तो वो भी हम लोग वेक्टर में सीखेंगे। हो सकता थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स में सीखा हो, है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। अच्छा, उसमें खास बात ये होती है कि जैसे अभी जो हम डायग्राम ले रहे हैं, ये टू डायमेंशनल ले रहे हैं। वेक्टर में खास बात ये होती है, अगर हम 3D लें, 3D मतलब उसमें वर्टेक्स के तीन तीन कोऑर्डिनेट्स भी हो जाएं, तब भी वो वेक्टर वाला फार्मूला हमेशा लग जाता है। मतलब जो वेक्टर का फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, वो 3D अगर ट्रायंगल है तो वहाँ पर भी सक्सेस है वो फार्मूला। तो उस वेक्टर वाले फार्मूले की ये खास बात है, तो अभी मैं उसकी भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर में थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट हमको आना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन वो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, अब तक हमने जितने फार्मूले पढ़े हैं उनकी तुलना में ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है वेक्टर का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। लिखो जल्दी, मैं एक दो बातें और आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ अभी, जल्दी से लिखो फटाफट। देखो अब इसमें ध्यान रखना एक बात कि अक्सर यूज होता है इन चीजों का 11th क्लास में, खास तौर पे अक्सर सवालों में यूज होता है कि अगर मान लो, जैसे मान लो तीन पॉइंट्स हैं ABC, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, है ना, इसे मान लो क्या होगा, ABC कैसे हो गए कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर आ गए, तो ऐसे केस में ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो जब ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ना, ये जीरो हो जाएगा ऐसे केस में, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे कि मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने कहा इफ 3, 2 4, 1 α, -2 इफ दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, मान लो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो बताइए अल्फा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तब। तो बड़ा आसान है, हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो कर देना है, बस समझे। अब देखो ध्यान दो बच्चों, कैसे करेंगे ये काम, हम जानते हैं कि अब देखो इसमें किसको हम क्लॉक वाइज ले, किसको एंटी क्लॉक वाइज ले, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ होगा मालूम ही नहीं, क्योंकि तो अननोन है। जैसे कि मान लो अगर मैं बना भी लूँ इनको, मान लो मैंने बना लिया, एक है 3, 2 यहाँ आ गया, अगला क्या है बोलो 4, 1 तो 4, 1 यहाँ आ गया, फिर अगला क्या है α, -2 अब α, -2 का मतलब यहाँ कहीं होगा, तो मान लो यहाँ है तो वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, तो वो थोड़ा सा क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज के फिर में हम थोड़ा सा फंस जाएंगे, इसलिए मॉड का मतलब जो है मॉड की ज़रूरत है, इसलिए मॉड लगाने से ये चीज़ें ना बैलेंस हो जाती हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो समझो क्या होगा, हम कुछ ना करें, अपना एक ऑर्डर में
मानते रहे, मानते रहे मतलब जैसे ये मान लो एक्स वन वाई वन है और ये मान लो एक्स टू वाई टू है और ये मान लो एक्स थ्री वाई थ्री है, ठीक है। अब देखो एरिया का फार्मूला क्या बनता है, एरिया अपना हो गया क्या हो गया बोलो, वन बाई टू मॉड ऑफ एक्स वन ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई थ्री, अभी लिखा है मैंने फार्मूला आपको, प्लस ऑर्डर में चलते रहो, एक्स वन की जगह क्या आ गया एक्स टू, वाई थ्री माइनस वाई वन, प्लस क्या आ गया बोलो एक्स थ्री, वाई वन माइनस वाई टू, ठीक ऐसे लिखा। देखो ये क्या हो गया वन बाई टू मॉड ऑफ एक्स वन, एक्स वन कितना है थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री, तो वाई टू माइनस वाई थ्री तो वन प्लस टू प्लस एक्स टू, एक्स टू कितना है बोलो फोर, वाई थ्री माइनस वाई वन तो वाई थ्री और माइनस वाई वन तो माइनस का टू, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री कितना हो गया बोलो अल्फा, वाई वन माइनस वाई टू तो टू माइनस वन, टू माइनस वन, ठीक है। ये अपना आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो देख लेना बेटा कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना यार, कैलकुलेशन मिस्टेक तो ऐसी चीज है ना जो कई बार बेटा हो जाती है समझाने के चक्कर में, ज्यादा समझाते हैं ना तो चीजें जो है वो कई बार दिमाग से मतलब लिखना कुछ चाहते हैं और लिख कुछ जाते हैं। हाँ ठीक है चलो, तो ये क्या हुआ बोलो, वन बाई टू मॉड ऑफ ये थ्री इंटू थ्री कितना बना नाइन, माइनस फोर इंटू फोर तो माइनस का सिक्सटीन और ये प्लस का अल्फा का मॉड, ठीक है। और इस पूरे एरिया को, ये जो एरिया निकला है ना क्या निकला बोलो, वन बाई टू मॉड ऑफ ठीक है माइनस सेवन प्लस अल्फा, इस पूरे एरिया को हमें कर देना है इक्वल टू जीरो, इसको हमने जीरो के बराबर कर दिया। अब देखो क्या हुआ, ये क्या हुआ वन बाई टू मॉड ऑफ अल्फा माइनस सेवन बराबर जीरो, ये हो गया ना जीरो, तो हाफ उधर गया तो सबको जीरो, अल्फा माइनस सेवन जीरो। अब देखो मॉड जीरो है इसका मतलब अंदर का टर्म भी जीरो होगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो सेवन आ गई, है ना। जब मॉड जीरो होता है, जैसे कि मान लो अगर मॉड एक्स बराबर जीरो है तो एक्स भी जीरो होता है, ध्यान देना। अब देखो बेटा ये मॉडुलस पढ़ो, क्योंकि मॉडुलस ना हर चीज में चला जाता है, मॉडुलस मैंने फंक्शन में समझाया था आपको, स्टार्टिंग का जो फंक्शन है ना, तो फंक्शन नहीं पढ़ा तो फंक्शन पढ़ो, क्योंकि फंक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। और बल्कि मैं कहता हूं अगर आप इलेवेंथ में भी हैं तो इलेवेंथ ट्वेल्थ दोनों का फंक्शन एक साथ पढ़ डालो, इलेवेंथ का भी फंक्शन पढ़ो ट्वेल्थ का ही पढ़ो, कि फंक्शन से ही कैलकुलस है और कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और वैसे भी फंक्शन के कॉन्सेप्ट हर जगह लग जाते हैं, ऐसे मॉडुलस ऑर्डुलस तो हर जगह आ ही जाएगा, मॉडुलस है ऐसे फंक्शन आप पढ़ोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपने फंक्शन पूरा पढ़ लिया ना तो ट्रिग्नोमेट्री समझो आपको वैसे ही आ गई, क्योंकि उसमें सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ही शामिल हो जाती है। ऐसे बच्चे इलेवन के ट्रिग्नोमेट्री के लिए परेशान रहते हैं, तो मैं कहता हूँ अगर मेरी फंक्शन की आपने क्लासेस पढ़ लिए, इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों का फंक्शन एक साथ पढ़ लो, तो उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इलेवेंथ का भी तैयार हो जाएगा, ट्वेल्थ का भी, क्योंकि अच्छा है अगर आपका ट्वेल्थ का तैयार हो जाता है भाई, घर बैठे बैठे अगर आपका इलेवेंथ ट्वेल्थ दोनों का तैयार हो रहा है तो इसमें बुरा ही क्या है, क्योंकि ट्वेल्थ तो आपको पढ़ना ही आएगा चल के, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी पूरी हो जाएगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो जाएगी, बल्कि और भी बहुत से टॉपिक आपके उसमें आ जाएंगे जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, है ना। मतलब समझ तो पूरा आएगा, वो आप जब आगे चल के आप पढ़ोगे ट्वेल्थ में तुम कहोगे अच्छा ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, बहुत अच्छे, मतलब 30-40% मैथ्स आपका फंक्शन में ही क्लियर हो जाता है। फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, फंक्शन को ध्यान से पढ़ो सब बच्चे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सवाल कराया जहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो करना था, क्योंकि पॉइंट्स कैसे थे बोलो, कोलिनियर थे। इसको लिखो फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो ये अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है कोऑर्डिनेट में, बल्कि और भी जगहों पर मैंने आपको समझाया, तो अब हम लोग कुछ और अच्छे सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब जरूरत है कि हम लोग अभी तो जो पढ़ रहे थे वो पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स था एक्चुअली,
अब हम लोग स्ट्रेट लाइंस में एंटर करेंगे, तो धीरे धीरे करके हम लोग और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगले क्लास से हम लोग स्ट्रेट लाइंस में एंट्री कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।